तो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक लो पास फिल्टर बोर्ड बनाने वाले हैं जिसमें 4558 DIC और 0-12 वोल्ट के पावर सप्लाई यूज किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय utsource.net। utsource.net एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सप्लायर वेबसाइट है जहाँ पर आप पा सकते हैं हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बड़ी रीजनेबल प्राइस में। यहाँ पर आपको हर तरीके की IC, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, हर तरीके की मॉड्यूल, सेंसर देखने को मिल जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो कॉपर क्लेट बोर्ड को हमने घिस के अच्छे साफ कर लिया है। पीछे के प्रिंट को अभी हम इस कॉपर क्लेट बोर्ड के ऊपर रखेंगे। आयरन से प्रेस करते रहेंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। तो अभी हमारे ये जो प्रिंट है इस कॉपर क्लेट बोर्ड के ऊपर आ चुका है और अभी हम इसको फेरिक्लोराइड में डुबो देंगे इचिंग करने के लिए। तो अभी हमारे इचिंग टोटली कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम इस बोर्ड में होल बनाएंगे। तो अभी हमने इस बोर्ड में सारे होल बना लिए हैं और ये हमारा पीछे वाला प्रिंट, तो इसको भी इस कॉपर क्लेट बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इसको भी आयरन से प्रेस करेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो अभी हमारा ये जो बोर्ड है टोटली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इस बोर्ड में कंपोनेंट्स माउंटिंग करेंगे। तो पहले ये दो पीस रेजिस्टेंस 2K2 या फिर 2.2K क्वार्टर वाट में। अभी दो पीस रेजिस्टेंस है 10K क्वार्टर वाट में। एक पीस रेजिस्टेंस है 150K क्वार्टर वाट में। एक पीस रेजिस्टेंस है 100K क्वार्टर वाट में। एक पीस रेजिस्टेंस है 68K क्वार्टर वाट में। दो पीस रेजिस्टेंस है 200K क्वार्टर वाट में। अभी एक पीस कैपेसिटर है 473 PF। एक पीस कैपेसिटर है 330 PF।
एक पीस कैवेस्टर है 102 PF, एक पीस कैवेस्टर है 470 PF, एक पीस कैपेसिटर है 104 PF, अभी एक पीस कैपेसिटर 2.2 UF 63 वोल्ट में। एक पीस कैपेसिटर है 10 UF 63 वोल्ट में। एक पीस कैपेसिटर है 1 UF 63 वोल्ट में। एक पीस कैपेसिटर है 4.7 UF 63 वोल्ट में। एक पीस कैपेसिटर है 1000 UF 25 वोल्ट में। अभी चार पीस डायोड है 1N4007। अभी दो पीस सिंगलटन पोटेंशियोमीटर है 47K का। अभी एक पीस आईसी का बेस है 8 पिन का। अभी एक पीस रेगुलेटर आईसी है 7812। अभी एक पीस रेजिस्टेंस 680 ओम क्वार्टर वाट में, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर में ढक गया था इसलिए हम इसको पहले नहीं लगाए, तो इसको लगा लेते हैं। और एक पीस एलईडी है 3 mm का, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो अभी हमारे इस बोर्ड में सारे कंपोनेंट्स माउंटिंग हो चुका है, तो अभी हम इन कंपोनेंट्स की पिनों को काट लेंगे। तो ये अभी हमने सारे कंपोनेंट्स की पिनों को यहाँ पर काट लिया है और अभी हम इस बोर्ड में सोल्डरिंग कर देंगे। तो अभी हमारे इस बोर्ड में सोल्डरिंग टोटली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इस बोर्ड को थिनर से वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो इनपुट के लिए हम 3.5 mm जैक का ऑडियो सॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका ऑडियो लेफ्ट और राइट को एक साथ में शॉर्ट कर लेना है, क्योंकि सबवूफर जो चलता है वो मोनो में ही चलता है और बोर्ड के इनपुट में हम इस ऑडियो जैक को कनेक्ट कर लेंगे। तो इस वायर को हम बोर्ड के ऑडियो आउटपुट में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो कि 0/3 A का ट्रांसफार्मर है। वैसे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर की इस बोर्ड में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 500 mA में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसके ट्रांसफार्मर इनपुट में ट्रांसफार्मर की वायर को कनेक्ट कर लेंगे।
तो इस बोर्ड में आईसी लगाने से पहले आईसी बेस की 4 और 8 नंबर पिन में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइन दे दिया है, लाइट ग्लो कर रहा है यानी बोर्ड में लाइन आ रहा है, और अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सही आ रहा है। तो यहाँ पर इस बोर्ड में हम 4558 आईसी यूज कर रहे हैं। वैसे अभी इस बोर्ड में कोई सा भी ओपन आईसी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस आईसी को इस आईसी बेस में लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियोमीटर के नॉब, तो इनको हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये जो बोर्ड है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नया हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।